क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ, दिनांक है 15 सितंबर 2021, अध्याय सेकंड, टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए। तो इस वीडियो के दौरान पांचों क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं। पहला है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन सत्य है। दूसरा है, पूर्ण संख्याएँ घटाने के अंतर्गत समवर्त होती हैं, तो यह कथन असत्य है। तीसरा है, पूर्ण संख्याओं का शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है, तो यह कथन सत्य है। प्रश्न संख्या दो आपको दी गई है, एक उदाहरण द्वारा दर्शाए कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग कर्म विनिमय होता है। कर्म विनिमय का मतलब होता है संख्याओं को हम आगे पीछे करके जोड़ें, जैसे 2+3 या 3+2, दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो उदाहरण में हम लिख देंगे 2+3 = 3+2, यानी दोनों को जोड़ने पर 5-5 आएगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लिख देंगे, 4+5 जोड़ें या 5+4 जोड़ें, दोनों का आंसर क्या आएगा, 9 बराबर आएगा। तो यह योग का कर्म विनिमय नियम होता है। तीसरा है, क्या यह कथन सत्य है, तो यहाँ पर यह कथन असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याएं भाग के लिए साचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। प्रश्न संख्या 4 दी गई है, पूर्ण संख्याओं का यह गुणधर्म क्या कहलाता है, 6×5×3, 6×5×3, यानी यहाँ पर 5×3 ब्रैकेट में है और पहले में 6×5 ब्रैकेट में है, तो यह होता है साचर्य गुणधर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्ण संख्याओं का योग पर गुणन का वितरण नियम क्या है, तो गुणन का वितरण नियम यह होता है कि B+C को हमने ब्रैकेट में रखा है और A है वो बाहर गुणा में है, तो A है वो B के साथ भी गुणा होगा और A है वो C के साथ भी गुणा होगा, तो यह पूर्ण संख्याओं के योग पर गुणन का वितरण नियम होता है। तो आज के होमवर्क के टोटल 5 क्वेश्चन थे, जिसके आंसर हमने देख लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।